सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि मशीन का स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, यानी मशीन का स्क्रीनशॉट पीकन और मशीन में जितने भी फंक्शन रहते हैं उनका हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने ये सारी स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ, ठीक है ना, तो आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट साथ में इसके लिए पेन ड्राइव आपको रखना पड़ेगा, तो जब आपके पास पेन ड्राइव होगा तभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के और पेन ड्राइव रखने के फ़ायदे क्या हैं। तो पेन ड्राइव रखने का फ़ायदा ये है कि जैसे आपको इस सेटिंग दूसरी मशीन पर कॉपी करना है तो आप इस मशीन का सेटिंग दूसरी मशीन पर कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फायदे क्या हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो और पेन ड्राइव का यूज अपने सेटिंग में कैसे कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, सिंपल करना है कि आपको जब भी स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले आपको पेन ड्राइव यहाँ पर लगा लेना है। जैसे मैंने कि यहाँ पर पेन ड्राइव लगाना है, जब पेन ड्राइव लगाओगे तो आपको इस प्रकार का आइकन शो करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो भी पेज चाहिए उस पेज को आपको खोल लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये पेज चाहिए, ये जो भी आपको पेज चाहिए, ठीक है, वो पेज को आप ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ब्लैक का आइकन है यहाँ पर प्रेस करके रखना है, यानी थोड़ी देर तक दबा करके रखना है। जब आप दबा करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिक स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा और आपके पेन ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेने का फार्मूला हो गया कि आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो। दूसरा ये है कि पेन ड्राइव रखने के फ़ायदे क्या हैं। तो पेन ड्राइव रखने का फ़ायदा ये है कि आपको मशीन का जो सेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वालिटी चलाना है, अब वो क्वालिटी चलाना है तो उसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग डालना पड़ता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे वही क्वालिटी दूसरी मशीन पे चल रही है तो आपको सिंपल क्या करना है कि पेन ड्राइव लगा करके और वो सेटिंग कॉपी कर लेना है अपने पेन ड्राइव में। तो यहाँ से आप जब भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको करना क्या है, सिंपल कि जब इस वाले आइकन पर जाओगे, ठीक है, इस वाले आइकन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको चले जाना है, यहाँ पर आपको चले जाना, ठीक है, ये वाला पेज खोलना है। ये वाले पेज खोलने के बाद आपको यहाँ पर मशीन के अंदर जो भी सेटिंग है, ठीक है ना, सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेटिंग को क्या करना, कॉपी कर लेना अपने पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद आप दूसरी मशीन में जाके पेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो पूरी का पूरी सेटिंग चली जाएगी, डिज़ाइन भी चली जाएगा, आपकी जो अंदर की सेटिंग है वो भी चली जाएगी, तो आपको सेटिंग नहीं डालना पड़ेगा और काफ़ी आपको टाइमिंग की बचत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लूमसेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।